नमस्कार, मैं तासीम अहमद, क्राइम टुडे टीम से। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। छात्रा की हत्या का खुलासा। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के खेकड़ा थाना कस्बे में छात्रा को अगवा कर उसकी हत्या का खुलासा बागपत एसपी ने रविवार को कर दिया है। 22 सितंबर की रात्रि कस्बे में फांसी पर लटके मिले युवक ने ही छात्रा की हत्या की थी। युवक छात्रा को जानता था और बैला कुचला कर उसको अपने गोदाम में ले गया, जिसके बाद युवक ने छात्रा के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस की पूछताछ और बढ़ते दबाव को वह सहन नहीं कर पाया और आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल आरोपी युवक खेकड़ा के विजयनगर निवासी वार्ड नंबर 1 की सभासद का पुत्र रजनीश है। आरोपी ने पोल खुलने के डर से ही फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें आरोपी साफ दिखाई दे रहा है। आरोपी बच्ची को दुकान में लाता वह हत्या के बाद बोरे में डालकर ले जाता वह कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट बागपत। रेप के बाद हत्या घटना खुला था, क्या क्या पूरा घटनाक्रम था, कौन आरोपी था? जैसा कि आप सभी जानते हैं, 19 सितंबर को एक लगभग 10 साल की बच्ची गायब होती है और 20 तारीख को शाम में 6 बजे उसका एक बोरे में शव प्राप्त होता है। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और इसमें जो मुख्य आरोपी है वो उसने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या उसने 21/22 की रात में किया था। इसकी पीछे की पृष्ठभूमि मैं बताना चाहूँगा कि जब इस घटना के अनावरण के लिए हमारी कई सारी टीमें बनी थी तो उस टीमों ने कई लोगों से पूछताछ, कई घरों की तलाशी ली थी और उस क्रम में उस व्यक्ति जिसका नाम रजनीश है उसके दुकान की भी तलाशी, घर की भी तलाशी ली गई थी और उसको अगले दिन फिर पूछताछ के लिए फर्दर बुलाया गया था। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था जिसमें उसको भी बुलाया गया और अर्ली मॉर्निंग पुलिस को सूचना मिलती है कि उस युवक ने आत्महत्या कर ली। फर्दर इसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे थे और उसी के दौरान हमें एक पुष्टिकारक सीसीटीवी फुटेज उसी मृतक के दुकान से प्राप्त होता है जिसमें पूरी घटना जो है वो क्लियर होती है, जिसमें उसका बच्ची को ले आना और फिर घटनाकारित करने के बाद उसको बोरे में वहाँ से ले जाना, उस बोरे को डिस्पोज करना, ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज की तरफ से के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, जिससे कि ये पूरी तरह इस्टेब्लिश हो गया कि उसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना को।